आदिशक्ति माँ दुर्गा की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र कल से ग्रह गोचरों के शुभ संयोग में कलश स्थापना के साथ आरंभ हो रहा है। नवरात्रि को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हरदोई में कल घर घर कलश स्थापना के साथ माता का आगमन हो जाएगा। बाजारों से श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री फल आदि खरीद लाए हैं। वही मंदिरों में भी भक्तों के आगमन और महामाई के पूजा अर्चन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वही हरदोई के श्री राम जानकी मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य मैथिली शरण ने बताया कि इस बार शारदीय नवरात्रि सोमवार के दिन शुरू होने के कारण माता का वाहन हाथी होगा। नवरात्रि के दिनों में जब देवी दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं, तो अलग अलग वाहन में सवार होकर आती हैं। उन्होंने बताया कि जब माता दुर्गा का आगमन पृथ्वी पर हाथी के साथ होता है, ये शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में हाथी को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ऐसे में देश की जनता के लिए ये कई तरह के शुभ संकेत और समृद्धि लाने की तरफ इशारा है। आचार्य ने बताया कि इस साल 26 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्र पर्व शुरू होकर 5 अक्टूबर को विजयदशमी पर समाप्त हो जाएगा। नवरात्रि पर्व में 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाएगी। जय श्री सीताराम। नवरात्र 26 तारीख यानी कल से शुरू है, सोमवार से, और इस नवरात्र के उपलक्ष्य में मंदिर की साफ सफाई हुई है। भगवान का, माता रानी के, सभी के पोशाक बदले गए हैं। माता जी का आज रात्रि में श्रृंगार होगा, मंदिर सजाया गया है, और इस बार माता जी का आगमन हाथी पर हो रहा है, और हाथी से ही उनका, माता जी का जाना भी होगा। और कल से इस बार पूरे नवरात्रि हैं, माता जी का विधि विधान से कल से पूजन प्रारंभ हो जाएगा। कलश स्थापन, नवग्रह स्थापन, सर्वतो भद्रमंडल पीठ देवता, सभी देवी देवताओं का आवाहन करके विधि विधान से पूजन होगा। और कल से ही घट कलश का, वैसे पूरे दिन जो है कलश स्थापन का मुहूर्त है, लेकिन फिर भी अभिजित मुहूर्त तक 12:30 बजे तक घट की स्थापना कर लेनी चाहिए। माता जी का एक साफ वस्त्र बिछा करके और उस पर मूर्ति स्थापना करके, कलश की स्थापना करके, लौंग, इलायची, पान सुपारी इत्यादि चढ़ा करके, माता जी का फोटो जो है या तस्वीर है साफ करके, एक चुन्नी उढ़ा करके नैवेद्य अर्पण करें, तिलक लगावें, सिंदूर इत्यादि सौभाग्य सामग्री समर्पित करके और बड़ी ही प्रेम से माता रानी की आराधना करें। इस बार पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना होगी। शिला माता के इस बार छठ का मेला भरेगा और माता के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। शहर के अन्य दुर्गा मंदिरों में भी विशेष आयोजन होंगे। सालों बाद इस बार माँ जगदम्बा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और हाथी पर ही सवार होकर ही विदा होंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।